था चुका था चुके थे चुके थे चुका था चुके थे चुके थे हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। कौन सा टेंस कहते हैं? पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जब भी किसी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ क्या हो, चुका था चुकी थी चुके थे हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जब भी किसी वाक्य में हिंदी क्रिया मुख्य क्रिया के साथ चुका था चुकी थी चुके थे हो तो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। जैसे राम घूम चुका था, जैसे राम घूम चुका था तो लास्ट में क्या आया? चुका था। लास्ट में क्या आया? चुका था। मैं बाजार जा चुका था, मैं बाजार जा चुका था, लास्ट में क्या आया? चुका था। तो इस प्रकार यदि आपको सेंटेंस में क्रिया के साथ मैं चुका था चुकी थी चुके थे दिखे तो समझ जाइए कि वह पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। आइए अब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, आई के साथ आपका लगेगा हेड और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा और अंत में ऑब्जेक्ट। इसमें आपको वाज वर्ब का टेंशन नहीं है, कोई सिंगुलर प्लूरल का टेंशन नहीं है, सभी के साथ हेड ही लगेगा, वी के साथ भी लगेगा हेड और ध्यान दीजिएगा वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। किसी भी प्रेजेंट किसी भी परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो। फर्क सिर्फ इतना है उसमें हैड यूज करते थे और इसमें हैड यूज होगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर नंबर आई, आई के साथ है वी थ्री ऑब्जेक्ट, इसका प्लूरल होता है वी, वी के साथ है वी थ्री ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर यू, यू के साथ भी आपका लगेगा है उसके बाद वी थ्री फिर ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन का प्लूरल नंबर यू, यू के साथ लगेगा है फिर वी थ्री फिर ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही सी ई एनी नेम, इसके साथ है फिर वी थ्री फिर ऑब्जेक्ट। थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर दे, दे के साथ भी लगेगा है वी थ्री ऑब्जेक्ट, मींस कि आपका हेड ही लगेगा। आइए कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, मैं खा चुका था, ठीक है। तो मैं का क्या हो जाएगा? आई, उसके बाद क्या लेगा? है, और खाना का ईट और ईट का भीतरी क्या होता है? ईटें। इस प्रकार से आपका सेंटेंस क्या बनेगा? आई है ईटें, मैं खा चुका था। यदि नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हम लोग पढ़ चुके थे तो इसका क्या हो जाएगा? वी हैड रीड, रीड का रीड रेड रेड पढ़ाता है रीड रेड रेड, लेकिन स्पेलिंग आर ई ए डी ही होता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम लोग पढ़ चुके थे, इसका क्या बनेगा? वी हैड रीड। तुम लोग अपना काम कर चुके थे, तो तुम लोग का होता है यू, इसका लगेगा यू, उसके बाद होगा है, डू का भी होता है डन, तो डू डिड डन, यू हैड डन अपना काम, यू हैड डन योर वर्क। इस प्रकार आपका सेंटेंस क्या बनेगा? यू हैड डन योर वर्क। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, अंजलि खेल चुकी थी, तो अंजलि का अंजलि ही होगा, इसके साथ भी हेड लगेगा और प्ले का भी थ्री होता है प्ले, तो लास्ट में आपका हो जाएगा प्ले, पी एल ए वाई ई डी। तो इस प्रकार आपका सेंटेंस क्या बनेगा? अंजलि है प्ले, अंजलि खेल चुकी थी। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, कैसे रहेगा? मैं खेल चुका था, तो मैं का आई,
लाइव का हेड्स और भर्ब का थर्ड फॉर्म प्लेड। इस प्रकार से आपका सेंटेंस क्या बनेगा, आई हैड प्लेड। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, राम स्कूल जा चुका था, तो राम का नाम ही होगा, इसके बाद हेड लगेगा। गो का पृथ्वी होता है गोन, राम हेड गोन, कहाँ जा चुका था, स्कूल जा चुका था, तो राम हेड गोन टू स्कूल। इस प्रकार से आपका सेंटेंस बनेगा, राम हेड गोन टू स्कूल, राम स्कूल जा चुका था। नेक्स्ट देखते हैं, वह गाना गा चुकी थी, तो वह गाना गा चुकी थी, चुकी थी मैं, इसलिए सी यूज होगा, सी हैड सिंग का कितने होता है, सिंग सैंग सन, तो सी हैड सन आ सॉन्ग, सी हैड सन आ सॉन्ग, वह गाना गा चुकी थी। अब मैं आप लोगों को कुछ भर देता हूँ, उसका आप लोग सेंटेंस बनाइएगा, जैसे रीड मींस पढ़ना, लर्न मींस सीखना, स्विम मींस तैरना, विप मींस रोना, चूज मींस चुनना, प्ले मींस खेलना। तो इन सारे वर्ब का यूज करके आप लोग सेंटेंस बनाइएगा। थैंक यू।